स्टूडेंट्स, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मैथ और टिप्स में। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो आईटीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर से लिए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, जो संचार शब्द हमारा यानी कम्युनिकेशन शब्द है जो हमारे इंग्लिश में जिसको हम कम्युनिकेशन शब्द बोलते हैं, तो ये किस भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है परंपराएं और विश्वास संचार में क्या होते हैं। ठीक है, तो परंपराएं और विश्वास संचार में क्या होते हैं, वो बाधाएं होती है। ठीक, सहायक नहीं होती ना ही तटस्थ भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं संचार में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है संचार एक खालिस्तान है, तो संचार क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है या एक राजनीतिक प्रक्रिया, एक बेहद जटिल अंतःक्रिया या फिर आर्थिक प्रक्रिया। तो इसे संचार हमारा क्या, एक बेहद जटिल अंतःक्रिया है। ठीक है, नंबर चार पे हमारा आता है सूचना संचार के तकनीकों में शामिल नहीं है। ठीक है, जो सूचना संचार की तकनीक है उसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं है। पहला हमारा है इंटरनेट पर चैटिंग करना, बी पे हमारा किसी को एक टुक देखना, रेडियो पर गाने सुनना या समाचार पत्र पढ़ना। तो इंटरनेट पर चैटिंग करना क्या है, ये क्या कर रहा है, इंटरनेट पर हम जैसे चैटिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, सूचना संचार में आएगा। रेडियो पर गाने सुनना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम गाने सुन रहे, क्या कर रहे हैं, हम गानों की जो सूचना है वो गेन कर रहे हैं। तीसरा समाचार पत्र पढ़ना, जो समाचार पत्र हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी क्या आ रहा है कि भाई हम सूचनाओं का अधिग्रहण कर रहे हैं। बट बी किसी को एक टुक देखना, ये चीज़ क्या है, ये सूचना संचार की तकनीक में शामिल नहीं है। चार नंबर पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था आँखों से इशारे करना किस प्रकार का संचार। ठीक है, जब किसी आँखों किसी को आँखों से इशारा करते तो किस तरह का संचार है, क्या वो शाब्दिक है, क्या वो मौखिक संचार, अशाब्दिक या स्पर्श। तो जो शाब्दिक संचार है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं मौखिक बोल के, अशाब्दिक जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, स्पर्श जैसे माँ द्वारा अपने बच्चों को सलाना, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पर्श संचार कहलाता है। तो इसमें हमारा आया अशाब्दिक संचार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार है, संचार क्या चीज़ है, सूचना का आदान प्रदान है या सूचना का पीस है या सूचना बैंक है या सूचना का रिजर्वायर है। ठीक है, तो सूचना का जो आदान प्रदान होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में स्थिरता अधिक होती है। ठीक है, तो जो संचार में स्थिरता का मतलब होता है स्टेबिलिटी क्या होती है भाई, तो मौखिक शारीरिक लिखित या व्यक्त, तो हमारा आएगा लिखित में। ठीक है, लिखित जो संचार होता है ना उसमें स्थिरता अधिक होती है। प्रोक्सीमिक्स का अर्थ है भाई, प्रोक्सीमिक्स का क्या अर्थ है, प्रोक्सीमिक्स का अर्थ है संचार के दौरान व्यक्तिगत शारीरिक दूरी से है, कि जब हम संचार कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे दौरान हमारी जो व्यक्तिगत शारीरिक दूरी है वो कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार क्या कहलाता है। जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके मध्य होने वाला संचार या कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, अनौपचारिक संचार कहलाता है या औपचारिक या फिर जटिल संचार या तटस्थ संचार। ठीक है, तो अनौपचारिक संचार कहलाता है, इसका आंसर आएगा ए। संचार का एक स्रोत क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का एक स्रोत क्या है, टेलीफोन है, बहस करना या मारपीट करना या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संचार का जो एक स्रोत है वो टेलीफोन है। ठीक है, बहस और मारपीट करना नहीं है। संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रशासक और प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व क्या, भाई जो प्रशासक होता है यानी जो सेंडर होता है, मैसेज सेंड कर रहा होता है वो, और जो मैसेज को रिसीव कर रहा था वो, उन दोनों के बीच में संबंधित तत्व क्या चीज़ होती है। तो उन दोनों के बीच में माना जाएगा प्रेरणा, विश्वास और अभिरुचि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पत्ति हुई है।
तो कम्युनिकेशन शब्द क्या है? दो वर्ड से मिलकर होता है, कम्युनिस, कम्युनिस से मिलकर बना होता है, जो लैटिन भाषा का वर्ड है। कम्युनिस का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार हेतु किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो संचार हेतु हमारे पास सेंडर भी चाहिए होता है, रिसीव मैसेज भी और रिसीवर भी, यानी कि ऑल ऑफ देम, डी आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है किसी कार्य के प्रति निष्ठा कहलाती है, तो किसी कार्य के प्रति हमारी निष्ठा क्या कहलाती है? हमारी प्रतिबद्धता कहलाती है, ठीक है। सफलता पाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता को होना आवश्यक नहीं है? ठीक है, प्रतिबद्धता का, वफादारी का, आत्मविश्वास का, या नैतिक कार्य का? नैतिक कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खराब कम्युनिकेशन कौन सा है? संदेश अस्पष्ट होना, प्रशिक्षक रिसीवर की सकारात्मक है, या संदेश स्पष्ट और सीधा होना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आएगा संदेश अस्पष्ट होना खराब कम्युनिकेशन का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज है जो कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला फोन, फोन से तो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ईमेल, ईमेल से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एसएमएस से भी हम एसएमएस वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट बस, ये क्या है? ये कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना होता है? ठीक है, जब हम आमने सामने बैठ के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, तब हमारे जो टोन ऑफ वॉइस है, यानी कि वॉइस की आवाज़ की क्वालिटी है, वो कितनी होनी चाहिए? वो होगी हमारी 38%, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निम्न में से पब्लिक स्पीकिंग का 3 PS कौन सा है? तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारा क्या है? पब्लिक स्पीकिंग का 3 PS। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और एक अपने दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, मध्य विचार अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।